डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हिंदी में बताऊं, तो ये मेरा वीडियो हिंदी में है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसा समझ सकते हैं, पहले तो हमें समझना होगा डिजिटल एक्सपीरियंस। मैंने नाम दिया है अपना डिजिटल एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से डिजिटल एक्सपीरियंस ये हुआ कि आप कभी भी कहीं भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हम क्या कर रहे हैं वो सेम है, पर कैसे कर रहे हैं वो डिफरेंट है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अभी भी किताब पढ़ते होंगे, मूवीज़ देखते होंगे, पैसा ट्रांसफ़र करते होंगे, और घर के लिए सामान खरीदते होंगे, पर कैसे करते हैं? बहुत सारी चीज़ें आप अपने शायद मोबाइल फ़ोन से करते होंगे, मोबाइल फ़ोन पे पिक्चर देखते होंगे, और हो सकता हो इसी टाइप से आप अपनी किसी एक डिवाइस पे बुक पढ़ते होंगे, और जो पैसा ट्रांसफ़र है वो भी मोबाइल से कर लेते होंगे, लैपटॉप पे वो वेबसाइट ओपन करके काम कर लेते हैं। तो आप जो काम पहले कर रहे थे, जैसे कि पैसा ट्रांसफ़र करना हुआ, बुक पढ़ना हुआ, मूवी देखने हुआ, या कुछ और भी सामान खरीदना हुआ, वो सब चीज़ें सेम रही हैं, पर आप अब कैसे कर रहे हैं वो चेंज हो गया है। और ये चीज़, जैसे कि मूवी देखना है तो आपको अब किसी सिनेमा थिएटर में नहीं जाना है, आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, तो आप कभी भी कहीं भी कैसे भी देख सकते हैं। सवेरे शाम को मूवी को पॉज कर लिया, रिवाइंड कर लिया, फास्ट फॉरवर्ड कर लिया, ये आपको एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि मूवी हॉल में तो भाई वो उसके शोज होते हैं, और जैसे वो शो चलेगा उस हिसाब से आप मूवी देखेंगे। और सामान खरीदना है तो शॉप्स की टाइमिंग होती है, उसी टाइम पे जाके आपको ख़रीदना होता है। पर अब आप क्या करते हैं, आप कभी भी शाम को या रात में वो ऑर्डर कर देते हैं, वो सवेरे घर पर डिलीवर कर देता है। तो इस चीज़ को मैं डिजिटल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, कि हम जो काम पहले कर रहे थे उसमें वो चेंज नहीं हुआ है, पर कैसे कर रहे हैं वो चेंज हो गया है। और उसे मैंने इंग्लिश में बोला, द व्हाट हैज रिमेन सेम बट द हाउ इज़ डिफरेंट। तो पहली बात तो ये हुआ कि ये हमें एक नया टाइप का डिजिटल एक्सपीरियंस मिल रहा है, कि हम वो जो काम कर रहे हैं कहीं भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, और कहीं स्मार्ट वॉच है उससे भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डिजिटल एक्सपीरियंस। तो पहले तो आपको ये इनेबल करना होगा। दूसरा जो मैंने बोला है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, कहीं हम अपनी कंपनी में कर रहे हैं तो आपको पहले चार प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और मैंने उसे इंग्लिश में बोला है दीज आर वाइज प्रॉब्लम, WISE। उसको मैं बताता हूँ। तो W हो गया वाई, आपकी कंपनी क्यों है, क्या है, क्यों बनी थी ये कंपनी, उसका एम क्या था। पैसा कमाना तो है ही है, शेयर होल्डर के लिए वैल्यू जनरेट करना वो तो है ही है, पर उसके बिहाइंड भी क्या प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे नाइकी का शू होता है, तो वो नाइकी बोलता है कि मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो हेल्दी रहें। हेल्दी रहने के लिए आपको दौड़ना होता है, दौड़ने के लिए आपको अच्छे से शूज़ चाहिए, तो हम आपको अच्छे से शूज़ पहनाएंगे। तो हमारा वाई ये है कि हम आपको हेल्दी रखें। इसी टाइप से कहेंगे आप ऊबर का एग्जांपल लेंगे, ऊबर ने कुछ कंट्रीज़ में जो लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनके साथ टाई अप किया हुआ है, तो ऊबर बोलता है कि भाई मेरे लिए कार प्रोवाइड करना मेन नहीं है, मेरे लिए ये है कि कस्टमर जो कि मेरी सर्विस ले रहा है उसे कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो उसे एक कम्फर्टेबल जर्नी मिलनी चाहिए। तो घर से निकलते वक्त वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जाने तक वो ऊबर कर ले, फिर जो कुछ भी लोकल ट्रांसपोर्ट है वो कर ले, और फिर वहाँ के स्टेशन से जो दूसरा उसका पॉइंट बी है उसके लिए ऊबर कर ले। तो दिस इज़ हाउ उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट किया है। इसी टाइप से डिफरेंट कंपनीज है, कोई कंपनी बोलती है कि मेरा मेन एम है कि फैमिली इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना,
नो, तो मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको मूवी दिखाऊं या यू नो टीवी सीरीज दिखाऊं, होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। तो इस टाइप से हर कंपनी का है, बट आप कहीं उसे ध्यान से सोचें तो हर कंपनी ने अपना बताया हुआ है कि मेरा वाई क्या था, क्यों ये कंपनी क्यों है, और इस कारण वो सर्वाइव कर ले रही हैं। कहीं कंडीशन चेंज भी हो रही है तो वो सर्वाइव कर रही हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बोली है अपनी बुक में वो ये है कि वाइस में फिर आता है आई, आई इज़ फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब आप का कोई भी प्रोडक्ट है तो मार्केट में जो बाकी प्लेयर्स हैं वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कंपटीटर भी हो सकते हैं, उनके साथ आप कितना अच्छा टाई अप करके अपने कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। रीज़न इसका यह है कि आपका कस्टमर को जो कुछ भी चाहिए आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो कई बार ये एक अच्छा होता है कि आप कुछ और अपने पार्टनर के साथ जुड़ के वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ। और कई बार इन सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वो API यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिससे कि नो आप पास में और जो डेटा है वो बाकी जो अदर कंपनीज हैं पार्टनर हैं उनके साथ शेयर कर दिया, उन लोग ने भी सोल्यूशन बना दिया और एक कस्टमर को एक ओवरऑल सोल्यूशन बन गया। पर कहीं आपकी कंपनी एक बहुत ही क्लोज सिस्टम पर काम कर रही है तो बाकियों के साथ नहीं जुड़ेगी, वो नहीं जुड़ेगी तो कस्टमर एक तरह से फंस जाएगा आपकी कंपनी में। तो आपकी कंपनी ऐसे ही होनी चाहिए विच कैन इंटीग्रेट विद अदर पार्टनर्स। फिर तीसरी चीज़ मैंने बोली है WISE में S, विच इज़ साइलोज। इट मीन्स आपको साइलोज ब्रेक करने होंगे अपनी कंपनी में, और ये हर कंपनी में होते हैं। और साइलोज डिफरेंट ग्रुप्स के कारण हो जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के कारण हो जाते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है इस कारण हो जाते हैं, बहुत सारे हैं, और वो एक आपको हर कंपनी में मिलेंगे। तो वो साइलोज ब्रेक करने होंगे जैसे कि सब लोग एक कॉमन मिशन की ओर काम करें, वरना जैसे पहले काम चल रहा था वैसे चलता रहेगा। और चौथा पॉइंट है ई, दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड कल्चर। तो वो कल्चर आपको चेंज करने का होगा। कल्चर तो क्योंकि हम सभी लोग बोलते हैं कि नो वी इंकरेज फेलियर, बट भाई कोई कस्टमर फेलियर का तो पैसा नहीं देता है। पर आप कहीं कुछ कोशिश नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे तो नई चीज़ें भी नहीं बन पाएंगी, फेल तो होना पड़ेगा। तो समवेयर एक बैलेंस होना चाहिए और आपको इस कल्चर को लाना पड़ेगा अपनी कंपनी के अंदर कि आप जो आपकी टीम्स हैं, जो दूसरे लोग हैं जो चीज़ें ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करें। बस ये है कि वो बहुत बड़ा फेलियर ना हो, वो चीज़ें ट्राई करें थोड़ा सा, हम लोग उसे MVP प्रोडक्ट बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उतना करके जल्दी से देख लें फीडबैक, कहीं नहीं हुआ तो ठीक है भाई दूसरा ट्राई करते हैं, इस टाइप से काम होना चाहिए। तो दैट इज़, और इस टाइप से आप बेस्ट फेलियर अवार्ड भी दे सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, सो दैट आपको इनकरेज करना पड़ेगा आपकी कंपनी में लोगों को, ये फेलियर उन्हें लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दे हैव टू ट्राई न्यू थिंग, टेक रिस्क, और नई चीज़ें तभी नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने बोला है कि यू हैव टू अप्लाई एसेट टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर एसेट मतलब A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, C फॉर क्लाउड, I फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग एंड D फॉर डेटा। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चार टेक्नोलॉजीज, तो आपको इनको मिक्स करके लगानी पड़ेगा अपनी कंपनी में, स्पेशली डेटा को लेकर, क्योंकि जो डेटा से चाहे आपके इंटरनल जो स्टेक होल्डर हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके कस्टमर हैं, आपके प्रोस्पेक्ट हैं, वो डेटा को आप AI के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग में उसकी पावर लेकर एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कस्टमर क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव करते हैं, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो यू हैव टू अप्लाई एसेट फार्मूला। और उसके बाद चौथी चीज़ जो मैंने बोली है वो ये है कि यू हैव टू अप्लाई डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी। तो अभी पहले एक एंथ्रोपोलॉजी समझते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मतलब ये हुआ कि हमारा
हमारा जो हम सब हैं ह्यूमन का कैसे इवॉल्व हुए, क्योंकि पहले तो हमारे एंसेस्टर्स एग्रीकल्चर में थे, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर फैक्ट्रीज बनी, तो अब देखिए तो धीमे धीमे हमारी हैबिट्स चेंज होती गईं, क्योंकि ना पहले तो एग्रीकल्चर होता था ताकि सवेरे जब सूरज उगा तभी से काम करना शुरू किया और जब सनसेट के टाइम तक काम ख़त्म हो गया, पर अभी तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो लोग देर रात तक काम कर सकते हैं। पहले था कि कहीं दूर जगह पे जाके काम करना है तो मुश्किल है, पर अभी कार है, फ़ोन है, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द योर इंट्रैक्शन विद डिजिटल डिवाइसेस, क्योंकि अभी जो जेन ज़ी है वो लोग ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज ही देखी हैं। हम में से कईयों ने शायद, लेट से कहीं मैं एग्जांपल लूँ, हम लोग ने बैंक और ब्रांच बैंकिंग देखी, उसके बाद हमने इंटरनेट बैंकिंग देखी, पर जेन ज़ी ने इंटरनेट बैंकिंग पहले देखी, और शायद बीच में कोविड आ गया तो वैसे भी उन्हें बैंक ब्रांच जाने का चांस नहीं मिला। तो मेन पॉइंट ये है कि उनके एक्सपेक्टेशन बहुत अलग हैं। तो आप कहीं वो पुराने तरीके से सोच रहे होंगे और करेंगे कि नहीं नहीं हम तो ऐसा करते थे इस कारण ऐसा ही करेंगे, आपको ये समझना होगा बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज हो चुकी हैं, इवॉल्व हो चुकी हैं, और इसी कारण डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी आपको हेल्प करता है समझने में कि क्या क्या कल्चरल चेंजेस बिहेवियर आ चुके हैं जो शायद आपके टाइम में या मे बी 50 साल पहले या 100 साल पहले ट्रू थे, अभी ट्रू नहीं हैं। वो नहीं है तो इसका मतलब क्या, उसका मतलब आपको अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है तो और भी कुछ करना होगा। नाउ इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 4 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इज आपको डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना होगा, जो कि हर वक्त किसी भी जगह पे कहीं पे भी आपका कस्टमर अवेल कर पाए। दूसरा, आपको वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, आपको ऐसे टेक्नोलॉजीज लगानी होंगी, अ मिक्स ऑफ दैट एंड डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी को फॉलो करना होगा। और आपका एम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने का ये होना चाहिए कि उसको करने के बाद आप अपने कस्टमर्स को एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन दे सकें। ऐसा नहीं है कि आपने सबको एक ही चीज़ में फिट कर दिया सभी को कि नहीं बस यही हमारे पास एक प्रोडक्ट है और वही सभी को लेना होगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैं बोला, जेन ज़ी अभी उसे आदत है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ द थिंग वो देखता है, वो सोशल मीडिया पे जाता है या ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे देखता है, उसे वैरायटी मिलती है, तो उसी टाइप से वैरायटी आपको भी देनी है और ऑप्शन देने हैं जो कि उसको सूट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। तो ये सब मिलाकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू मी इज द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जो इस बुक लिखी थी वो हिंदी में भी है, कहीं आप देख पा रहे हो तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी में मेरी बुक है, इसकी हिंदी कॉपी आई हुई है, आप ले सकते हैं इसे, ये अमेज़ॉन पे भी है। और देखिए, मैंने हिंदी तो नहीं, पर हाँ मैं बोलूँगा इंग्लिश में ये अवेलेबल है, बहुत कुछ हिंदी से रिलेटेड ये है, तो आप करके और इसमें समझ सकते हैं। कहीं आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा और किस चीज़ पे मैं और वीडियो बनाऊँ। और भी कुछ पढ़ना है तो मैं अपने वेबसाइट पे लिखा करता हूँ, विच इज़ www.raktimsingh.com। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं, कहीं आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।